आपका स्वागत करता हूँ हमारे MVM न्यूज चैनल पे। फिलहाल हम खड़े हैं टेमला फाटा पे। यह हमारे आने का उद्देश्य है खरगोन में पड़ रही गर्मी का एनालिसिस करना। इस साल की गर्मी ने विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी के साथ विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र खरगोन बन चुका है। हमारे साथ यहाँ के कुछ आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, हम आके उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? पप्पा वर्मा। यहाँ पे पहले भी इतना ही गर्मी तापमान रहता था? पहले रहता था 4-5 साल पहले, धीरे धीरे बढ़ता था। लेकिन सर इस बार तो खरगोन विश्व का सबसे तापमान मतलब की गर्म क्षेत्र बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये तो हम कैसे बता सकते हैं किस कारण तापमान बढ़ा था। यहाँ क्या है, थोड़े हरियाली कम है, ज़्यादा हरियाली नहीं है, इसलिए गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। जैसे इंदौर में हरियाली ज़्यादा है, मालवा है, वहाँ पे थोड़ी गर्मी कम लगती है। निमाड़ में ज़्यादा गर्मी इसी कारण से पड़ती है। यहाँ पेड़ पौधे भी कम है, हरियाली भी कम है, जगह जगह सब मैदान है, चट्टाने हैं, इस वजह से खरगोन में ज़्यादा तापमान हमेशा बना रहता है। जैसे कि आपसे सर से सुना है यहाँ पे खरगोन में हरियाली की कमी है और यहाँ पे बहुत कमी है, इसलिए हमें हरियाली लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से हमारा खरगोन हरा भरा बन जाएगा। इसी प्रकार जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन विवेक मोरे के साथ, और मैं रोहन पाल, MVM न्यूज़।